होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज का जो टॉपिक है नाइटफॉल, स्वप्न दोष। सब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, आपकी भी अगर कोई समस्या इस तरह की रहती है, कोई भी समस्या कहती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे हमको पता चलता कि हमारे व्यूअर को कौन सा वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचा सकूँ। हाँ, वीडियो अच्छा लगने पर थम्स अप जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को व्हाट्सअप में, फेसबुक में, मित्रों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक फिर शुरू करते हैं। नाइटफॉल मेल्स में ही परेशानी आने लगती है कि जब एज फैक्टर मेल हार्मोन डेवलप होने लगते हैं, तो 15 से 16 साल के बीच में के बाद जब तक सारी नहीं हो रही है तब तक नाइटफॉल स्वप्न दोष की समस्या बहुत आम बात है, बहुत ज़्यादा होती है। कि उसमें सबसे पहले होती क्यों है, इसमें 15 साल के बाद जो तुरंत इसमें इस तरह की समस्या आती है उसके पीछे कारण बताऊंगा। जैसे फीमेल में हार्मोनल लेवल बढ़ता है तो उसमें मेंसेस होने लगती है, वैसे मेल में जो हार्मोनल लेवल बढ़ता है तो उसके बाद मेल हार्मोन लेवल बढ़ने के बाद उसमें वो अपने आप को संयम नहीं कर पाते हैं। विचार जो है आगे पीछे के उल्टे सीधे विचार उनके दिमाग में आते हैं, या कोई भी विचार ऐसे आए दिमाग में आए तो स्वतः ही सपने भी वो चीज़ दिखाई देती है, जिसकी वजह से वीरखनन होने लगता है, उनका ऑटोमेटिक भी एग्रेशन होने लगता है, अपनी आदि उनका वीर निकलने लगता है, जिसको नाइटफॉल या स्वप्न दोष कहा जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने विचारधाराओं को सही रखें, और कोई बीमारी नहीं है ये, दिमाग से बिल्कुल उठाएं। कि मैं देखता हूँ लड़के आजकल हमारे पास में आते हैं लगातार, उनको ये आम बात है, और कई के लोग बड़े परेशान से रहते हैं, उनके माँ बाप बहुत परेशान से रहते हैं कि डॉक्टर साहब इनको ऐसा ऐसा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा परेशान, उनको दिक्कत आने लगती है, शुरुआत में काफ़ी दिक्कत है जब उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो इसमें नॉलेज तभी होगी जब आप लोग इसके बारे में पूरा पूरा जानेंगे। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, कई कई बार हो जाता है, उसमें विचारधाराएं आती हैं, इन विचारधाराओं आने के बाद आएंगी तो ऑटोमेटिक स्वप्न दोष वीरखनन हो जाता है, अपने आप निकल जाता है। तो उसके लिए एक तो अपना अच्छा अध्यात्म पढ़िए, साफ सुथरा अध्यात्म पढ़िए, ताकि आपका वीरखनन ना हो, स्वप्न दोष ना हो, और साथ में रात में सोने से पहले कम से कम हाथ पाँव को धो कर सोइए, और साथ में बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ें का प्रयोग ना करें, और ऐसे कोई भी चीज़ें ना देखें जिससे आपको विचार आपके उल्टे सीधे हों, जिसकी वजह से स्वप्न दोष ना हो। इसके साथ साथ में थोड़ी सी होम्योपैथी मेडिसिन है, इसके इस्तेमाल करेंगे तो नाइटफॉल पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 13 पावर में लेंगे, 2 बूंदें सुबह दिन में शाम को 3 बार लेंगे, और इसी तरह से एसिड फॉर्थ मदर नेचर की 15 बूंदें सुबह दिन में शाम को लेंगे, तो खट्टी बहुत होती है, ध्यान दीजिएगा पानी चाय मिला के लेनी पड़ेगी, 15 बूंदें सुबह, 15 बूंदें दिन में, 15 बूंदें शाम को लेंगे, और साथ में इसी तरह से बैकविंग नंबर 16 है, इसकी 4 गोली सुबह दिन में शाम को लेंगे तो बहुत से रिजल्ट मिलेंगे। चलिए एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लाइकोपोडियम 30 पावर में 2 बूंदें सुबह, 2 बूंदें दिन में, 2 बूंदें शाम को, 2 से 5 बूंद तक ले सकते हैं, और इस तरह से एसिड फॉस की 10 से 15 बूंदें सवेरे दिन में शाम को लेंगे आधे कप पानी मिलाते हुए, पैकिंग नंबर 16 को 4 गोली सवेरे, 4 गोली दिन में, 4 गोली शाम को लेंगे तो बहुत से रीड मिलेंगे। नए वीडियो के साथ में कल मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।